स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एंड जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मिस्टर चौधरी सर फ्रॉम कर्मा गुरुकुल एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन ऑफ सप्लीमेंट्री रीडिंग सेकंड लेसन द थीफ्स स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ आई वॉन्ट टू टेल अबाउट रस्किन बॉन्ड द राइटर। रस्किन बॉन्ड वॉज बॉर्न ऑन 19th May 1934 इन मिलिट्री हॉस्पिटल टू एडिथ क्लार्क एंड ऑब्रे बॉन्ड। एट प्रेजेंट हिज सिस्टर एलियन लिव्स इन जलंधर पंजाब एंड हिज ब्रदर विलियम लिव्स इन कैनेडा। रस्किन्स फादर वॉज विथ द रॉयल एयरफोर्स वैन बॉन्ड वॉज 4 years ओल्ड। हिज मदर सेपरेटेड फ्रॉम हिज फादर एंड मैरिड अ पंजाबी हिंदू मिस्टर हरी हु हिमसेल्फ हैड बीन मैरिड वंस। रस्किन बॉन्ड स्पेंट his early childhood in Jamnagar, Gujarat and Shimla. At the age of 10, Ruskin went to live at his grandmother's house in Dehradun. After his father's sudden death in 1944 from malaria, Ruskin was raised by grandmother. Following his high school education, he went to his aunt's house in England and stayed there for 4 years. In London, he started writing his first novel, The Room on the Roof. So now, friends, I want to tell the story in Hindi. दोस्तों ये जो कहानी है ये कहानी एक चोर की कहानी है और ये चोर एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है। इस कहानी का केंद्र बिंदु मेन कैरेक्टर है हरि सिंह जो कि वो एक चोर है। वह इस कहानी का वर्णन करता भी है, मतलब ये जो कहानी जिसके ऊपर है वो हरि सिंह के बारे में है। वो 15 साल का है और एक कुश्ती मैच के दौरान वो एक व्यक्ति अनिल नाम का है उसको मिलता है और अनिल की उम्र लगभग 25 ईयर्स की है। वह एक साधारण और ईमानदार आदमी है, वह एक हेल्पफुल पर्सन और ऐसी एक्टिविटी का इंसान है। वह हरि सिंह को अपने घर में शरण देता है, वह अपने घर में उसको रखता है और वह जानता है कि हरि सिंह उसको जो कुछ खरीदारी करने भेजता है तब उसमें से वो भी कमीशन निकालता है और पैसा बचाता है, लेकिन वो कुछ जानता है फिर भी बोलता नहीं। वो इसे खाना पकाना सिखाता है, अनिल उसको खाना पकाना सिखाता है। एक दिन अनिल अपने जो पब्लिशर है उसको एक बुक बेचकर रुपयों का बंडल लेकर आया तो हरि सिंह है जो चोर है उसने ये बंडल देखा तो उसका मन ये चुराने के लिए उसका मन हुआ और वो चुरा लेता है और ट्रेन पकड़ने के लिए वो स्टेशन पहुंच जाता है। लेकिन उसकी आत्मा ऐसा करने से उसे रोक देती है, उसका मन मानता नहीं कि मैं उसने इतने दिन मुझे खिलाया ऐसा अच्छी तरह से कहा भाई की जैसा रखा तो मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसा सोच के वो वहाँ पे स्टेशन पे भीग जाता है, बारिश आती है बारिश में भीग जाता है और घंटों तक वो बैठा रहता है। बाद में वो घर आके नीचे बैठ जाता है और उसका मन बदल जाता है और वो अपना जो फ्रेंड है जिसने शरण दिया है वो अनिल का विश्वास तोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए वो चुराया हुआ पैसा वो वापस देना चाहता है। इसलिए वो अनिल जब रात को सोया होता है तो उसके गद्दे के नीचे वो रुपया वापस रख देता है।
और जब दूसरी सुबह अनिल जगता है तब उसको 50 रुपये की नोट देता है और वो कहता है कि अब मैं रेगुलरली आपको काम का पैसा दिया करूँगा। सो दोस्तों, जिसके लिए उसने अपने शरण दिया और उसके प्रति वो चोरी करना उसको महसूस हुआ, रियलाइज़ हुआ कि भी चोरी नहीं करना चाहिए। तो ये जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये रस्किन बॉन्ड जो अच्छे जाने माने जो राइटर है उन्होंने ये लिखा है। सो लेट मी स्टार्ट अवर स्टोरी। आई वॉज स्टील अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। और बोलता है कि डिस्क्राइबर जो वर्णन करता है बोलता है कि जब मैं अनिल से मिला तब भी मैं क्या था, एक चोर ही था। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और फिर भी मैं केवल 15 ईयर्स का था तो भी मैं अपना अनुभव और हाथ की सफाई में बहुत ही मैं क्या था, पारंगत था। हाथ की सफाई में सक्सेसफुल हैंड मतलब मैं पावरफुल था, चोरी करने में माहिर था, ऐसा खुद बोल रहा है। अनिल वॉज वॉचिंग और रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम। देखो अप्रोच मतलब पहुंचना, अप्रोच मतलब वेंट नियर मतलब वहां पे नजदीक पहुंचना, उसको बोलते हैं अप्रोच। अनिल वॉज वॉचिंग द रेसलिंग मैच, अनिल क्या कर रहा था, रेसलिंग की मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच हिम, ये बोलता है कि जब मैं उसके पास पहुंचा तब अनिल वहां पे रेसलिंग मैच देख रहा था। He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. देखो दोस्तों, वो बोलता है कि मैं लगभग उस टाइम 25, अनिल है वो लगभग 25 साल का था और वो एक लंबा टॉल मतलब लंबा एंड लीन मतलब दुबला, लंबा और दुबला व्यक्ति था और वो सीधा साधा था और कैसा था, इजी गोइंग मतलब उदार था। जो मेरा जो एम है पर्पज उसको प्राप्त करने के लिए बहुत मेरे लक्ष्य के लिए वो आसान तरीके का था। मतलब ये जो चोर है वो बोलता है कि एक ऐसा आदमी था कि जिसको मैं इजी से पटा लूँ, उसको चोरी करनी है तो ऐसे आदमी के साथ तो मैं जल्दी से कर सकता हूँ। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. मतलब पिछले कुछ दिनों से मेरा जो किस्मत है वो ज़्यादा अधिक साथ नहीं दे रहा था, ऐसा बोल रहा है चोर। और मैं सोचा कि शायद ये एक यंग मैन है तो उसका मैं विश्वास शायद मैं जीत पाऊँ, उसका कॉन्फिडेंस मैं जीत पाऊँ। You look a bit of a wrestler yourself, I said. मैंने उसको बोला कि तुम तो स्वयं एक पहलवान जैसे दिख रहे हो। A little flattery helps in making friends. देखो थोड़ी सी चापलूसी करो तो फ्रेंडशिप बन जाती है, किसी की तारीफ करो तो वो एडमायर हो जाता है, उसकी प्रशंसा उसको अच्छी लगती है तो वो आपको बात करेगा और बात करते करते आपका फ्रेंड बन जाएगा। तो इसलिए बोला है कि यह लिटल फ्लैटरी, फ्लैटरी मतलब चापलूसी, हेल्प्स इन अ मेकिंग फ्रेंड मतलब थोड़ी सी चापलूसी करो तो फ्रेंड बनाने में थोड़ी हेल्पफुल रहती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। उसने बोला कि भी तुम भी ऐसे ही लगते हो, तुम भी पहलवान जैसे लगते हो। उसने आंसर दिया और उसी आंसर के मुझ पर एक क्षण तो मैं चुप रहा, ये बोलता है कि मैं तो चुप रहा क्योंकि उस टाइम तो मैं कैसा था, थोड़ा सा पतला था, राधर थिन मतलब मैं थोड़ा पतला सा था, इसलिए मैं तो चुप रहा। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। उसने बोला कि मैं ठीक है, मैं थोड़ी सी कुश्ती कर सकता हूँ। मैंने उसको मॉडेस्टली मतलब
नम्रता से कहा, वर्ष नेम मतलब आपका नाम क्या है? हरि सिंह। एट लाइट मैं झूठ बोला, हरि सिंह रियल में उसका नाम हरि सिंह नहीं, वो बार बार अपना नाम बदल के ऐसी चोरी करता रहता था, इसलिए उसने झूठा नाम बोला कि हरि सिंह। आई लाइड, लाइड मतलब झूठा, मैं झूठ बोला। आई टूक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता था। डेट कैप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माय फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और वो जो मैं अलग अलग नाम रखता था इस, तो इसकी वजह क्या थी कि इससे मुझे पुलिस और मेरे जो पुराने जो मालिक थे उससे मुझे दूर रखता था कि मैं नाम बदलूँ तो मुझे कोई पहचाने नहीं, और जो पहले जो चोरी किया था उसका जो पुलिस कंप्लेन हो गई है और पुलिस पकड़ने आए तो पकड़ नहीं सके, नाम बदल के घूमता रहता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल रेसलर हु वर ग्रंटिंग लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और ये जो इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने तेल से अच्छी प्रकार की मालिश करते हुए पहलवानों के बारे में उस बात की, तेल से मालिश करते ऑयल से ऐसे पहलवानों के बारे में बात की जो कि वो क्या कर रहे थे, रोअरिंग कर रहे थे, ग्रंटिंग मतलब रोअरिंग कर रहे थे और एक दूसरे को उठाकर पटक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कुछ कहने के लिए अधिक शब्द नहीं है, मेरे पास कुछ ऐसा शब्द नहीं थे। अनिल वॉक्ड अवे, आई फॉलोड कैजुअली, अनिल चल पड़ा और मैंने बिना परवाह किया उसका पीछा, कि मैं उसके पीछे पीछे चला गया। हेलो अगेन ही सेड, फिर से उसने बोला कि नमस्ते। आई गेव हिम माई मोस्ट अपेलिंग स्माइल, अपेलिंग मतलब अट्रैक्टिव, अपेलिंग मतलब क्या होता है अट्रैक्टिव, मैंने उसको अपेलिंग स्माइल दिया, अपेलिंग मतलब अट्रैक्टिव आकर्षक स्माइल, मैंने अपनी एक सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान बिखरी, मैंने उसके सामने बहुत ही अच्छी अट्रैक्टिव स्माइल दिया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड, मैंने उसको बोला कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, उसने बोला कि मैं लेकिन आपको कुछ चुकाऊंगा नहीं, मैं आपको उसका पेमेंट दूंगा नहीं। आई थॉट डेट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने इस प्रकार कुछ मिनट तक विचार किया। परहैप्स आई हैड मिसजज माई मैन, शायद मुझे लगा कि मेरे शिकार का सही आंकलन मैंने नहीं किया, कि मैंने उसका सही मूल्यांकन नहीं किया। आई आस्क कैन यू फीड मी, मैंने उसको पूछा कि भाई तू मुझे खिला सकता है, खाना तो दे सकता है ना। कैन यू कुक, आई कैन कुक, आई लाइक अगेन, उसने बोला कि क्या खाना बना सकते हो, खाना दे सकता हूँ लेकिन खाना बना सकते हो, तो मैंने फिर से झूठ बोला, चोर बोलता है कि हाँ। आई लाइक अगेन मतलब मैं फिर से झूठ बोला, इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर आप खाना बना सकते हो तो मैं आपको खाना दे सकता हूँ। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक, बाद में उसने मेरे सर पे थपकी देते हुए कहा, पैटेड मतलब थपकी देना, कि कोई बात नहीं वो मुझे खाना बनाना भी सिखा देगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. उसने मुझे खाना पकाने का तो बोला लेकिन वो मुझे पूरा सेंटेंस लिखना भी सिखाएगा और फिगर को नंबर को जोड़ना भी सिखाएगा। I was grateful, I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. मैं तो उसका grateful था, मैं तो उसका आभारी था, क्यों? मैं जानता था कि वो मेरे बारे में पढ़े लिखे आदमी की तरह
लिखना मैं सीख जाऊँ और फिर मैं क्या प्राप्त कर सकता था उसकी कोई सीमा नहीं होगी। वो बोलता है कि अगर मुझे सिखा देगा, पढ़ना लिखना सिखाएगा, तो बाद में तो मैं क्या क्या नहीं कर पाऊँगा, मेरी कोई सीमा रहेगी नहीं। I was quite pleasant working for Anil. Anil के लिए काम करना बहुत सुखदायी था। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about a rupee a day. मैं दिन में चाय बनाता था और फिर मैं दिन का जो सामान था वो खरीदने जाता था। मैं समय बिताता और रोजाना लगभग इसमें से एक रुपया का कमीशन तो मैं निकाल देता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटल मनी दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड। देखो उसने, वो जानता था कि मैं इसे थोड़ा थोड़ा पैसा कमीशन काटता हूँ, कमीशन निकालता हूँ, लेकिन उसने इसके लिए कुछ मन में रखा नहीं। बट ही डिडंट सीम टू माइंड, लेकिन उसने मन में कुछ लिया नहीं। मैं ऐसा पैसा बनाता था, पैसा निकालता था, कमीशन काटता था, लेकिन वो जानता था फिर भी कुछ बोला नहीं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार। अनिल अनियमित रूप से पैसा कमाता था। अनिल पैसा कमाता था अपन, लेकिन वो फिट्स एंड स्टार्स, मतलब कभी कभी ज़्यादा भी कमा लिए, कभी कुछ भी ना मिले, उसको बोलते हैं फिश एंड स्टार्ट। मतलब ये मुहावरा है, मतलब अनियमित रूप से, इरेगुलरली, मतलब नियमित रूप से नहीं कि भाई इतना फिक्स फिगर है कि इतना कमाता रोज, ऐसा नहीं, लेकिन वो इरेगुलरली कमाता था। ही वुड बोरो वन वीक लैंड द नेक्स्ट। वो एक वीक के लिए उधार लेता था और दूसरे वीक को उसको उधार दे देता था। He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. वो अपने next check के बारे में बहुत प्रतीक्षा करता था और चिंता मग्न रहता था, लेकिन जैसे उसको हाथ में check आ जाता, पहुँच जाता, तो बाहर जाता और बिल्कुल उसको enjoy कर देता था, उसको celebrate कर लिया, मतलब उसको वापस देता था, पैसा सब use कर देता था। It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. ऐसा लगता था कि वो एक मैगजीन के लिए लिखता था और वो अपनी जो लिविंग, आजीविका कमाने के लिए एक अलग सा विचित्र तरीका उसका था। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to publisher. एक दिन शाम को वो नोटों के छोटे बंडल के साथ आया और उसने बताया कि उसने एक पब्लिशर को एक किताब बेची। एट अ नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। रात को मैंने उसे पैसे बिस्तर के नीचे दबाते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम cheating on the shopping had not done anything in my line of work. वो बोलता है कि मैं अनिल के लिए लगभग एक महीने से काम कर रहा था, लेकिन ये जो खरीदारी करने जाता था, ग्रोसरी वो सब चीज़, तब ये खरीदारी में मैंने धोखा खड़ी किया और इसके बाद अंत में मैंने अपने काम में कोई गलती नहीं की थी, मैंने वही काम किया था गलत, बाकी कोई काम गलत नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मेरे पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी वो काम करने के लिए, चोरी करने के लिए मेरे पास बहुत तरीक, मतलब मौका बहुत थे, अपॉर्चुनिटी बहुत थी। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लेस। और अनिल ने मुझे घर के दरवाजे की चाबी भी दी थी और मैं अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, मर्जी से जब भी चाहे तब मैं आ सकता था और जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। मुझे अब तक मिले सभी लोगों में से सबसे ज़्यादा अधिक भरोसेमंद व्यक्ति अनिल था। तो ऐसा ये
चोर बोल रहा है अपने दोस्त के बारे में, अनिल के बारे में। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई पोस्ट दिस लेसन, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन पर्सन हियर, हु डज आई रिफर टू इन दिस स्टोरी। ये स्टोरी में आई किसको रिफर करता है? तो आई रिफर्स टू हरी सिंह, जो चोर है उसको, अ थीफ। ही ऑलवेज रॉब हिज एम्प्लॉयज, वो अपने जितने भी मालिक है एम्प्लॉयज उसको रॉब करता है, मतलब उसको उससे चोरी करता रहता है। वॉट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल, वॉट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। दोस्तों, वो अपने वो किस कार्य में वो निपुण था? फेयरली सक्सेसफुल मतलब बहुत अच्छी तरह से वो एक्सपर्ट किस कार्य में था? तो ही इज अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट द रॉबिंग द पीपल, एस्पेशली हिज एम्प्लॉयज, मतलब खास करके उसके जो मालिक होते थे उनको, उनसे वो चोरी करता था। वॉट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, उसके रिटर्न वर्क के लिए अनिल के से वो क्या लिया, अपने काम के बदले में उसे अनिल से क्या प्राप्त किया? तो ही गेट्स मिल फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, उसके काम के बदले में उसने खाना मांगा। सो फ्रेंड्स, वी विल कंटिन्यू अवर लेसन इन अवर नेक्स्ट पीरियड। जय स्वामीनारायण।